और हमको अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हज़रत का फतवा है कि जिस जगह पर एक बार मस्जिद बन जाती है तो वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहती है, उसके शहीद करने से उसकी मस्जिदियत, दैट इज दैट द नेचर ऑफ द मस्जिदियत, उसकी ख़त्म नहीं होती कभी। तो हमको हमारे रब पे पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया कुन फ़यकुन का बादशाह, अल्लाह वो फरमाता है कुन हो जा, बोले तो वो हो जाती है इंशाल्लाह, मस्जिद हमारी बनेगी इंशाल्लाह। हर साल अजान की जाती है, दुआ की जाती है और बाबरी मस्जिद फिर से तामीर हो, ये अल्लाह से दुआ को रहते हैं सब मुसलमान। उसके शहीद करने से उसकी मस्जिदियत, दैट इज दैट द नेचर ऑफ द मस्जिदियत, उसकी ख़त्म नहीं होती कभी। तो हमको हमारे रब पे पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया
फरमाया कुन फयकुन का बादशाह अल्लाह, वो फरमाता कुन हो जा, बोले तो वो हो जाती है इंशाल्लाह, मस्जिद हमारी बनेगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ हमने हमारे शहर का जैसा रज़ा एकेडमी का ये हमेशा से मामूल रहा है अमन व सुकून को लेकर चलना, तो हमने हमारे शहर का माहौल बरकरार रहे, वो सुकून बरकरार रहे, इसीलिए अल्लाह व रसूल की रज़ा के खातिर और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के साथ साथ हमने हमारे शहर में अमन अमान के साथ 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 हमने थोड़ी सी अजान के वक्त में तब्दीली भी कर दी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह कि वसीम रज़वी जो लानती है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, हमारा आज विभागीय आयुक्त को ये भी मुतालबा रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारा निवेदन भी ये रहेगा कि उस मजलूम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, और उसने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज गुस्ताखियों भरी किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ, वो किताबों को जब्त करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा एकेडमी की तरफ से हर साल अजान की जाती है और दुआ की जाती है, और बाबरी मस्जिद फिर से तामीर हो ये अल्लाह से दुआ गो रहते हैं सब मुसलमान। जिस तरीक़े से हमारे हिंदुस्तान की तारीख में बदनुमा दाग है हमारी मस्जिद को तोड़ के, और मस्जिद इस तरह तोड़े गई गैर क़ानूनी तरीक़े से, संविधान टुकड़े करते हुए और मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे